सक्सेस और उसकी कामयाबी के सफ़र में कोई भी आड़े आए तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उसके तहत वो सारी चीज़ें उसी के तहत करता है। अब उसे ये नहीं पता कि उसने अपने अतीत में यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद कुछ ऐसा किया हो जिसको किसी को ठेस पहुँची हो, किसी को नुकसान पहुँचा हो, तो अब वो सच, वो अतीत उसके सामने आईना बनकर आ रहा है, तो अब उसे उसे झेलना है। तो वो कैसे झेलेगा, किस तरह से झेलेगा, किसकी बलि चढ़ाएगा अपने अपने आप को बचाने के लिए, या शायद खुद बलि चढ़ जाए, ये कहानी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। मेरे किरदार का नाम है डॉक्टर कबीर, जो इस हॉस्पिटल को चलाता है। बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है, ही इज़ अ न्यूरोसर्जन जो कॉलेज को चला, जो हॉस्पिटल को चलाता भी है और कॉलेज में इंटर्न्स को पढ़ाता भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर आनंद मल्होत्रा जो है वो मेरे गुरु है। उन्होंने मुझे बचपन से मुझे बहुत ही मेरा बहुत ही ख्याल रखा है, तो मैं उन्हें बहुत मानता हूँ और उनकी आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। तो इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एट द सेम टाइम मैं साची, जो डॉक्टर साची प्ले कर रही है इसमें, मैं सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं कहूँगा, पर क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है इसमें, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो एक बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है इसमें। सो आई एम श्योर ऑडियंस इसको बहुत पसंद आएगा। मेरा गुस्सा है, पर अब शायद उम्र से थोड़ा कम हो गया है। हाँ, बहुत गुस्सैल आदमी हूँ, इम्पेशेंट हूँ। ये मैं अपनी खामियाँ क्यों बता रहा हूँ, बट हाँ, बहुत ही गुस्सैल हूँ, बहुत ही इम्पेशेंट हूँ। बट ये तभी आता है जब सामने वाला आदमी कोई अपनी हद पार करता है। अदरवाइज आई एम जस्ट अ फन गाय जो खुद ही इतना मजाक करता है कि शायद मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरे मजाक से किसी और को ठेस ना पहुँचे, लेकिन अगर पहुँचे तो मैं, कोई भी हो, उसे माफ़ी मांगने से मैं कभी कतराऊंगा नहीं। तो या आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। का जवाब शायद ये दे पाएंगे कि ऑफ कैमरा एम आई सीरियस एज डॉक्टर। ऑफ कैमरा डॉक्टर आनंद मल्होत्रा बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही मजा किया है। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग सेट पे इतना मजा करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग गाय एंड शो में जो इनका किरदार है वो असलियत में बिल्कुल ऑपोजिट है। इज अ फन गाय। बस यही कि ये एक बड़ा ही अलग फॉर्मेट है। आप लोग शायद पिछले मेडिकल स्टोरीज को लेकर शायद आपके कोई ओपिनियंस होंगे कि शायद ये भी वही होगा, कुछ हद तक होगा, क्योंकि मेडिकल केस स्टोरीज़ भी होंगे, मैल प्रैक्टिसेस जो मेडिकल इंडस्ट्री में कभी कभी देखे जाते हैं उस पर चर्चा होगी, मगर वो चर्चा सिर्फ एक केस की वजह से कोई नहीं होगा। ये किरदारों के लाइफ से जुड़कर पिरोकर हम ये कहानी बताएंगे, तो केस होगा, लेकिन उस पर कैरेक्टर्स पर, किरदारों पर, एक्टर्स नॉट एक्टर्स सो मच एज द पीपल हु आर प्लेइंग इट, वो किरदारों पर क्या असर पड़ता है ये वो बताएगा, जो हमारे और आपके कहानियाँ होती हैं आम जिंदगी में। सो एक घंटे का शो है, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा कैनवस है, बहुत सारे किरदार हैं और बहुत सारे इमोशनल ट्रैक्स हैं, मज़े के ट्रैक्स हैं, रोमांटिक ट्रैक्स हैं एंड मेडिकल फैक्ट्स हैं। तो ये सभी चीज़ों का मिश्रण लेकर आई थिंक ये एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट होने वाला है। और 6 बजे शाम को इट्स अ न्यू टाइम स्लॉट, तो ये भी हम सबके लिए चैलेंज है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और उसी की वजह से शायद आप देखें, और अगर देखकर आपको पसंद आए तो इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू।